जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र के अंदर में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जानकारी लेके आया हूँ, और ऐसी जानकारी लेके आया हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो बिना कमेंट करे तो रह नहीं पाएगा, क्योंकि वीडियो ही इतनी एक लाजवाब होने वाली है, और वीडियो को जो भी देखेगा वो पूरा ही देखेगा। ये मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ, और पूरा ही वीडियो देख के उसको सुकून मिलेगा। तो ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती हैं, और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यानी कि जिन लोगों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जो कि जो भी हम वीडियो लेके आए या जो भी इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आए, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो मैं ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, इसको पूरा ध्यान से सुनना, और फिर उसके बाद में अपना ओपिनियन और अपना जो भी विचार हो आपका वो हमें गाइड करना। मैं तो धन्य हो गया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया कि मुझे साक्षात आसमानी माता ने, यानी कि जो आसमानी माता है, उन्होंने मुझे कॉल की, और कॉल करने के बाद मुझसे बात की, और बात करने के बाद उन्होंने मेरा तो जीवन धन्य कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि आसमानी माता चंद्रनाथ जी को कॉल क्यों कर रही हैं। भाई डिजिटल ज़माना है, जब आप फ़ोन चला सकते हैं तो देवी या देवता फ़ोन क्यों नहीं चला सकते। अगर ये डाउट है आपको तो वीडियो को पूरा देखें इस डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं सुना देता हूँ, ज़्यादा इंतजार नहीं कराते क्योंकि वीडियो बड़ी होगी, अभी 2-2.5 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अभी मैं सुना देता हूँ आपको कि वो आसमानी माता हैं कौन, तो सुन लीजिएगा। यहाँ पे आसमानी माता ये रही, सुनिए। बोल। हाँ कौन? मैंने बताई मैं कौन हूँ। हाँ क्या बताई? आसमानी हूँ मैं। आसमानी है, कहाँ से बोल रही है? कहाँ से आती हूँ? हाँ कहाँ से आती हूँ? क्या मजाक चल रही है क्या? मजाक तेरे को नहीं लगता, तुमको भी लगता, मेरे को भी नहीं लगता, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि मैं कौन हूँ ना? अच्छा नाम बता अपना नाम। देख मेरा नाम आसमानी है, मैं किसको आती हूँ ये बताती हूँ। आसमानी है नहीं, उसका नाम बता दू किस किस पर सवार हूँ मैं। हाँ नाम बता उसका। उसका नाम कृष्णा है। कहाँ रहता है वो? सिजवाहा में रहता है, उसके स्थान एक मेरा स्थान बना है। कहाँ कहाँ रहता है? छिंदवाड़ा। सिजवाहा में। कहाँ? सिजवाहा। ये कहाँ पड़ता है सिजवाहा? श्रीनगर की पास में है। श्रीनगर? हाँ महुआ जिला है ना कभी? महुआ जिला? महुआ जिला तो ये यूपी में है ना? यूपी में है। हाँ फिर? और उसके गांव है सिजवाहा। सिजवाहा उसके गांव में मैं वास करती हूँ। उसके गांव में वास करती हो? तो हमें कॉल क्यों की है? हमें कॉल क्यों की? जो तुम बता रहे थे यूट्यूब पर वो शक्ति मेरी जगी हुई थी। क्या जगह है ना तुम्हें? वो शक्ति जब मैं स्नान पहली बार करने गई थी तब तभी थी मेरी शक्ति। पहले तो तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। जो मैं गंगा स्नान करने गई थी पहली बार तब तक मेरी जगी हुई थी। जग गई है उसी शक्ति से काम कर। गंगा स्नान करने गई थी तो शक्ति तुम्हारी जग गई थी। शक्ति जो तुम बता रही थी काले वस्त्र पहनकर
और शक्ति तुम जगाने के लिए कह रहे थे लोगों को, अच्छी बात है, मैं तुमसे बुरा नहीं कह रही हूँ, बात कर रही हूँ साथ साथ के, तो तुम कितने भाग्यशाली हो गए, मैं तुमसे खुद मैंने तुम्हें उपट के फोन लगाया है। अच्छा है, तुम उल्टा मत समझना, मैं सिर्फ, तुम इतने दिल खुश आदमी हो, सिर्फ मेरे वक्त जो मैं तुम्हें दर्शन दर्शन दिए, कभी भी तुम्हें देख लेना, सोते समय मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अच्छा अच्छा हम आज कटी नहीं है, गंगा स्नान हो गया, मैं भी साक्षात यही जो तुम कर रही हो, तो अच्छा काम कर रहे, लेकिन दुनिया में अधर्म ही काम हो रहा है, मैं वो धर्म रोकने, अधर्म रोकने के लिए आई हूँ। अच्छा देखो तुम्हें तो विश्वास, मैंने बता दी तुम्हें विश्वास अभी नहीं हो रहा है, अपने दिल की याद में बताना मुझे, तुम्हें विश्वास अभी नहीं हो रहा, जिस दिन मैं तुम्हारे सपने में साक्षात बन के दिखाऊंगी, उस दिन तुम देख लेना कि आसमानी आई थी। अच्छा हमें कॉल क्यों की है, हमें कॉल क्यों की है, अगर आप आसमानी हैं तो हमें कॉल क्यों की है? कैसा, आप आसमानी हैं तो हमें कॉल क्यों की है? आज नहीं आई आपकी, बोल रहे हैं आप आसमानी हैं तो हमें कॉल क्यों की है आपने? प्रूफ किया हुँ? तुमको मतलब प्रूफ क्यों किया, कॉल क्यों की, यानी फोन क्यों लगाया? फोन क्यों लगाया? हाँ इसलिए मैंने लगाया कि तुम मेरे वक्त हो, अच्छा तुम अच्छे काम करते हो, करता करते हो, इसलिए मैं साथ साथ तुम्हारे पास फोन लगाई। अच्छा हाँ। कोई उद्देश्य, कोई मंशा आपकी? मेरी मंत्रा है नहीं, कोई मंशा आपकी, कोई उद्देश्य हमें कॉल लगाने का, हम क्या मदद करें, हम आपकी क्या मदद करें? मुझे देखो आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद करती हूँ, मेरी मदद कोई नहीं कर पाता है, ना किसी ने कर पाई है, मैं खुद मदद करती हूँ। अच्छा मेरी मदद किसी ने नहीं कर पाई है, ना मेरी मदद कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, देख कर पाऊंगा, देख इसलिए लगाता हूँ कि देख कर पाऊंगा, देखो गोलाम है ना मेरा, जो जिसके दिल में बात करती हूँ, हाँ वो सिर्फ 18-19 साल का लड़का है, हाँ उसके दिल में मैं बात करती हूँ, ठीक है, वही मैं आज बोल रहे हैं कि इतना बड़ा संकट आया था, इसलिए मैंने तुमको देखा, तुमने बताया था कि ये शक्ति जगाते हैं लोग, मैं तुम्हें बताया कि ये शक्ति अब किसी को सब कोई जगाएगा भी, क्योंकि ये शक्ति मेरे पास जगी हुई, इसी शक्ति के बल से मैं काम करती हूँ, और जितने मैंने काम किए अभी मेरे पूरे काम सिद्ध हो रहे हैं। तो जिसके ऊपर जो तुम्हारा घोड़ा है, जिसके ऊपर तुम सवार हो, उसका नाम कृष्णा है? उसका नाम कृष्णा है और जाति उसकी चमार है। तो जाति उसकी चमार है, हाँ मैं ये भी बता भी दे रही हूँ तुम्हें। अच्छा। अभी वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रही हूँ, उसे तो ध्यान ही नहीं है कि वो कहाँ ले जाए, कर क्या कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में बात मैं कर रही हूँ। अच्छा। तो अभी मैं बोल रही हूँ, तुमसे मैं बोल रही हूँ। हाँ। जब वो, उसे पता नहीं है, जब वो चली जा, जब मैं चली जाऊंगी अपनी बात करने के वास्ते में, तब उसे भी पता एहसास नहीं होगा कि मैंने भी किससे बात की थी, क्या है, कुछ नहीं, उसे कुछ पता नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास मैंने फोन लगाया, मैंने नंबर निकाला भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक भी नंबर मैंने तुमको बेटे को देखा, नंबर मेरे आत्मा में लिखा था, मैंने तुरंत ही नंबर दर्ज कर लिया है। अच्छा। तुम्हारा सिर्फ। अच्छा। देखा नहीं, उसने नहीं देखा है, जिसको मैं सवार करता हूँ उसने नहीं देखा। अच्छा। उसे पता ही नहीं है सिर्फ। अच्छा। मैंने अपने मन से मैंने ही, तो आसमानी माता का भोग क्या होता है? आसमानी माता का भोग क्या होता है? उसका भोग देखो ना, तो वो काफी देवी देवता होते हैं, जिसका होता है मुर्गा बकरा सब कुछ लेती है वो, लेकिन आसमानी का ये मुर्गा बकरा कुछ भी नहीं, उसका सिर्फ एक नारियल और लड्डू लगता है उसी बात, मैं ही बता रही हूँ, मुझे खुद यही मैं खाती हूँ, जो लोग देते हैं मुझे मैं नहीं स्वीकार करती हूँ, सिर्फ मुझे एक कुछ लगता भी तो कुछ नहीं, मैं अपनी खुशी से खाती क्यों, एक नारियल बस लेती हूँ खाती हूँ, और मेरी नौ दुर्गों में आती हूँ,
पांचवी की वो पांचवी होती है, पांचवी होती है जो, और नवे होती है, उस टाइम में 2 दिन आती हूँ, तो 2 दिन मेरा 16 श्रृंगार लगता है। अच्छा 16 श्रृंगार मेरे को लगता है, और मैं हर नवरात्रि को 16 श्रृंगार लेती हूँ। अच्छा हम क्या मतलब आपकी हेल्प करें, मदद करें, खैर आप तो आसमानी है तो आपकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करें आपके लिए? देखो मेरे लिए तुम कुछ ना करो, जो तुम काम कर रहे हो वो अच्छे काम कर रहे हो, तुम अच्छे काम करो। इस कृष्णा के लिए क्या करें, जिसके ऊपर तुम सवार रहती हो इसके लिए क्या करें? जितने दिन मैं सवार रहती हूँ उतने दिन क्या करूँ? नहीं, जिसके ऊपर तुम सवार रहती हो कृष्णा के ऊपर, इसके लिए हम क्या करें, इसकी कुछ मदद करें कृष्णा की? इतना इसकी मदद कोई नहीं करनी, इसकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ मैं ही कर पाती हूँ। क्यों इसकी मदद किसी को नहीं करनी है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ जो तुमको मदद करनी है वो बस करूंगी। हाँ बोलो। इसको फोन लगाओगे? अच्छा तुम इसकी बस सवार है, लेकिन फिर भी ऐसे एहसास नहीं होता है कि मेरे को कुछ आता है या नहीं आता है। हाँ तो तुम इतना एहसास दे आसमान आती है, तुम विश्वास करो। अच्छा इसी विश्वास नहीं होता है। अच्छा इसे विश्वास नहीं होता है? हाँ इसी विश्वास नहीं होता है कि मैं आसमान, तब तक मैं रहती हूँ। हाँ। तब तक एहसास रहता है जब मैं अपने वतन अपने मंदिर में वास करती हूँ, मेरा मंदिर है, नीम का पेड़ लगा है। हाँ। 3 नीम का पेड़ लगे अगल बगल, बीच में आगे भी लगा है, लेकिन आगे के नीम के पेड़ में मैं वास करती हूँ, मेरा त्रिशूल सांगेन और इतनी पूजा लगती है सभी अभी रखी हुई है। हाँ। और जब मैं चले जाऊंगी तब मैं वहीं पर बात कर लूंगी, लेकिन तब तक मैं चली रहती हूँ तब इसे विश्वास होता है, इसके बाद इसे भी विश्वास नहीं होता है। अच्छा लेकिन तुम जब मैं चले जाऊंगी तब, आज नहीं। हाँ। जब मैं जाऊंगी आज फोन ही लगाओगे कभी नहीं। हाँ। तुम चाहे जब भी कॉल करना, ये नंबर तुम्हारी आत्मा में लिख गया है, मैंने तुम्हारी आत्मा में लिख दिया है। अच्छा हाँ जब भी मैं आदेश दूंगी, मैं खुद तुम्हारे पास न आऊंगी ना इसके पास आऊंगी, मैं तब भी तुम्हें अपने मन से आदेश दूंगी, बैठी बैठी बात करूंगी, जब बात करूंगी तब आदेश। चलिए आप देवी हैं, आत्मानी माता हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ लीजिए। मेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ मुझसे सिद्ध है, कौन कौन सी मुझे मिली है, कौन कौन सी भ्रातत्व मिली है, कौन सी मैंने स्वयं से सिद्ध की है, कौन सी देवी की कृपा है मेरे साथ, बोलो। तुम्हारे साथ मेरी ही तो शक्तियाँ हैं, मैं मेरे ही तो काम बल से काम करते हो तुम लोग। शक्ति का नाम पूछोगे? हाँ सोमवार के दिन मैं खुद फोन लगाऊंगी, तुम्हें खुद बता दूंगी कि जिस टाइम मैं दरवाजा लगाऊंगी। हाँ मैं खुद फोन लगाऊंगी तुम्हें, शक्तियाँ बता देंगे तुम्हारे पास। तो शक्ति अभी क्या दिक्कत है, अभी तो खुद शक्ति साक्षात शक्ति बात कर रही हो, तो मेरे को बता दो आप। मैं अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं अपने वादे के मुताबिक हूँ, क्योंकि मैंने भी वचन, जब मैं गंगा स्नान पहली बार गई थी तभी मैंने भी वचन दिया था। अच्छा ये वचन की क्या बात है, देवी तो साक्षात हो ना, साक्षात आसमानी बात कर रही हो मुझसे, तो मैं तो धन्य हो गया कि मुझसे आसमानी माता बात कर रही है, तो आसमानी माता मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आसमानी माता तो खुद साक्षात मतलब एक देवी है, शक्तियों की मालकिन है, तो वो बता देनी चाहिए ना उन्हें मेरे पास क्या क्या शक्तियाँ। लेकिन मैं देखो लोगों के बंधन में, मतलब आदमियों के बंधन में ना, औरतों के बंधन में, किसी के बंधन में नहीं हूँ मैं, लेकिन सिर्फ जैसे तुम लोग अपने अपने लोगों के, देखो बुरा मत मानना कि मैं बता रही हूँ तुम्हें, जैसे तुम लोग भी एक दूसरे के बंधन में, जैसे मम्मी पापा के बंधन में होते हो, ऐसे भी हम भी अपने देवी देवता जितनी भी देवियां हैं, मैं सबसे, मैं किसी की बंधन में नहीं होती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ एक मुझसे बड़ी देवी इसके बंधन में हूँ, संतोषी माता है। संतोषी माता को मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दूंगी, लेकिन जब मैं उनके पास जाऊंगी साक्षात, देखो जब मैं इसके दिल से निकलूंगी तब मैं अपनी माता के पास, बड़ी सी वो मेरी बड़ी बहन है, मैं अपनी बड़ी बहन के पास जाऊंगा, उससे आधा सत्ता लाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पूरी शक्तियाँ, जितने जितनी शंका है, मतलब जो तुम
अभी तुम सोच रहे हो कि तुमको विश्वास नहीं, इसलिए तुम विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हें विश्वास दिला दूंगी जिस दिन जिस दिन जब आप शक्ति हो, शक्ति हो साक्षात, मतलब एक आप आसमानी हो, आसमानी माता हो, तो इतना तो मेरे बारे में देख ही सकती हो। चलो मेरा नाम ही बता दो, नाम क्या है? हेलो 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 हेलो, अरे बोलो अभी। हेलो क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? बोलती बंद नहीं हो रही, मैं देख रही हूँ, मैं तेरा नाम बता दूँ, तू शांत रहना अभी 2 मिनट। हाँ हेलो तो चलिए, ये थी आसमानी माता। तो अभी आप सभी लोग इस वीडियो को देख के, रिकॉर्डिंग सुन के, आपको कैसा लगा? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यार ऐसे लोग कहाँ से आते हैं और ये इंसानी हैं या साले एलियन हैं। तो वो आसमानी माता कौन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है वो आसमानी माता जो आप देख रहे हैं, इसका फेस। तो ये है वो आसमानी माता जो हमारे तो भाग्य खुल गए आसमानी माता से बात करके। आसमानी माता एंड्रॉयड फ़ोन चलाती हैं, कॉल लगा के बात करती हैं, लेकिन आसमानी माता को आसमानी माता तुझे कुछ नहीं आता। जो आसमानी माता है ना, मुझे आसमानी माता को बजाने नहीं मिला, तो मैंने इसकी इसके बाद में इनने क्या किया, मैंने इसको रिटर्न कॉल लगाई। बड़े प्यार से मैं इसलिए बात कर रहा था इससे कि मैं देखूं क्या क्या बोलेगा। और लेकिन उससे पहले पहले इसने फ़ोन काट दिया, फ़ोन काट दिया। मैं इससे ये बोला कि चल, आपने सुना ही कि मेरी शक्ति बता दे, आसमानी माता है, तो बहाना लेके ये निकल गया। ना ही इनने शक्ति के बारे में बताया और ना ही मेरा नाम बताया, फ़ोन काट दिया। लेकिन आसमानी माता बड़ी चालाक है कि फ़ोन काटते ही मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, और वो नंबर तो ब्लैक लिस्ट में डाले ही डाला। फिर मेरा एक पर्सनल नंबर, मैंने उससे कॉल की, तो वो नंबर भी मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया आसमानी माता ने। और जब आसमानी माता ने वो नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो फिर मुझे 1-2 घंटे का वेट करना पड़ा कि मुझे आसमानी माता का भूत ज़रूर उतारना है। जो आसमानी माता हैं वो, उनका भूत इसके सर से ज़रूर उतारना था, क्योंकि मुझे सबन नहीं हो दिया था। तो मैंने इसका भूत उतारा और आसमानी माता ने मेरी हर शक्ति का जवाब दिया कि, लेकिन एक बात रियल है कि आसमानी माता ने मेरी सारी शक्तियाँ बता दी, कौन सी शक्ति मैंने सिद्ध करी थी, कौन सी नहीं करी थी, और कौन सी मुझे विरासत में मिली, और मैं कौन सी शक्ति से काम करता हूँ, कौन सी से नहीं करता हूँ। मैं भी अचंभे में रह गया, यानी चकित रह गया जब उसने मुझे जानकारी दी। तो अगर आपको ये जानकारी आसमानी माता
ने मुझे क्या क्या बताया, ये जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वेट कीजिए इसके अगले पार्ट का। और अभी मैं रात में 9 बजे फिर लाइव आऊँगा और बात करेंगे आसमानी माता के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में। तो इसका अगला पार्ट भी आएगा, जो कि मैंने आज दिन में इससे फिर बात की और ये वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए इसे यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।